दोस्तों एक न्यूज तो आपने सुनी ही ली होगी जो कि अभी काफी ज्यादा चर्चित भी है कि दोस्तों वीवो को आईपीएल में पुल आउट कर जाने के बाद अब टाटा नया स्पॉन्सर बना है आईपीएल का। दोस्तों टाटा आईपीएल हमें 2 साल के लिए दिखाई देने वाला है जिसकी कीमत टाटा ग्रुप ने लगाई है 670 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 साल के लिए 670 करोड़ रुपए पे किए हैं टाटा कंपनी ने आईपीएल को, जहां पर दोस्तों पर ईयर जो पैसे जाएंगे बीसीसीआई को वो होंगे दोस्तों 335 करोड़, जहां पर दोस्तों 301 करोड़ रुपए पर साल के हिसाब से जाएंगे और वहीं 34 करोड़ रुपए इंक्रीजमेंटल फी होगी क्योंकि 14 गेम्स इस सीजन से बढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये तो रही टाटा की बात, लेकिन बात करें हम अब तक के आईपीएल की, जहां पर दोस्तों डीएलएफ ने स्पॉन्सर किया है आईपीएल को, उसके बाद पेप्सी ने किया था, फिर बीच में वीवो ने किया था, फिर जो है ड्रीम इलेवन ने किया है। दोस्तों अब इन सबके पुल आउट करने के रीजंस क्या थे और इन्होंने कितना पे किया था बीसीसीआई को, आईपीएल को, इन सब स्पॉन्सर ने, दोस्तों आज की वीडियो इन्हीं सब टॉपिक पर होने वाली है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी जानकारी एकदम पक्के तौर पर मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्कंद पाठक, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल क्रिकेट टॉक शो टीवी। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आती है तो। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं हम डीएलएफ की। दोस्तों डीएलएफ आईपीएल का स्टार्टिंग स्पॉन्सर था जो कि सन 2008 से सन 2012 तक के लिए रहा था, जहां पर दोस्तों डीएलएफ ने 40 करोड़ हर साल के हिसाब से बीसीसीआई को आईपीएल को पे किए थे, जहां पर दोस्तों उन्होंने 5 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट में 200 करोड़ रुपए कुल बीसीसीआई को दिए थे। दोस्तों डीएलएफ की कंपनी के पुल आउट करने का मेन रीजन था उनकी बजट प्रॉब्लम, जहां पर दोस्तों अभी डीएलएफ की कंडीशन ये है कि डीएलएफ बैंकक्रप्ट होने की कगार पे आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएफ अब ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रही और उसके शेयर्स एकदम से जमीन पर हैं। इसके बाद दोस्तों अब एंट्री होती है पेप्सी की, जहां पर दोस्तों पेप्सी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हुआ था दोस्तों सन 2013 से सन 2017 के लिए, जहां पर दोस्तों पेप्सी ने शुरुआत लगभग 400 करोड़ से की थी। जी हां दोस्तों, ये 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 400 करोड़ का हुआ था, अप्रॉक्स 400 करोड़, अगर हम एक्जैक्ट बताएं तो दोस्तों 396 करोड़ का हुआ था, जहां पर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखा गया। इसके बाद दोस्तों आपको याद होगा सन 2015 की स्पॉट फिक्सिंग, जहां पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स को बैन कर दिया गया था, यहीं से दोस्तों पेप्सी ने अपना नाम पुल आउट कर लिया था। रीजन दोस्तों जो 2015 की स्पॉट फिक्सिंग थी उसकी वजह से दोस्तों आईपीएल का काफी ज्यादा नाम बदनाम हुआ था और उनकी रेपुटेशन पर भी असर पड़ा था। इस मौके को देखते हुए दोस्तों पेप्सी ने अपना 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 साल में खत्म कर दिया और सन 2015 में ही पुल आउट कर लिया। इसके बाद दोस्तों अभी पेप्सी के 2 साल बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने पहले ही पुल आउट करने की वजह से अब एंट्री हुई थी वीवो की। जी हाँ दोस्तों, एक चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनी की एंट्री हुई थी सन 2016 में। दोस्तों ये टेंडर जो था 2 साल के लिए निकाला गया था क्योंकि दोस्तों पेप्सी का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रह गया था, 5 साल की बात होती, सिर्फ 3 साल में पेप्सी ने खत्म कर दिया था। इसके बाद दोस्तों वीवो की जब एंट्री होती है दोस्तों यह टेंडर सिर्फ 2 साल के लिए निकाला जाता है, जहां पर दोस्तों वीवो 100 करोड़ पर ईयर के हिसाब से उनको पे करने वाला था। इसका मतलब 200 करोड़ 2 साल के लिए वो पे करता। ऐसे में दोस्तों वीवो की जो शुरुआत हुई थी 2 साल के लिए वो काफी ज्यादा अच्छी हुई थी और इसके बाद खुश होकर वीवो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए बढ़ा दिया था, जहां पर दोस्तों सन 2018 से वीवो का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था। 2018 से सन 2022 तक के लिए वीवो का कॉन्ट्रैक्ट चलना था, जहां पर दोस्तों 1 साल बीच में पुल आउट करने की वजह से वीवो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए गवा दिया था, मतलब गवाया नहीं था, वो आगे एड हो जाता सन 2023 तक के लिए हो जाता, जहां पर दोस्तों सन 2020 में एंटी चाइनीज का जो एजेंडा चला था उसकी वजह से दोस्तों चाइना के सारे प्रोडक्ट इंडिया में इस्तेमाल करना बंद कर दिए गए थे। ऐसे में दोस्तों वीवो का भी आईपीएल स्पॉन्सर रहना कहां तक जायज था, इसलिए दोस्तों वीवो ने भी अपना नाम पुल आउट कर लिया, या फिर आप कह सकते हैं बीसीसीआई ने वीवो को 1 साल के लिए हटा दिया गया। दोस्तों आपको बता दें 5 साल का जो वीवो का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये हुआ था अप्रॉक्स 2199 करोड़ का, जहां पर दोस्तों हर साल वीवो की कंपनी BCCI को पे करती थी 440 करोड़। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आईपीएल का जो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सिर्फ 40 करोड़ था, अब दोस्तों 2018 के बाद से जो 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 440 करोड़ पर ईयर के हिसाब से स्पॉन्सर किया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों जब वीवो ने अपनी जो है वापसी की सन 2020 में, तब एंट्री होती है दोस्तों ड्रीम इलेवन, और दोस्तों इस मौके को ड्रीम इलेवन ने अपने दोनों हाथों से लपका और 2020 में एंट्री होती है फिर ड्रीम इलेवन की, जहां दोस्तों ड्रीम इलेवन पूरे 1 साल स्पॉन्सर रहा और दोस्तों उनकी प्राइस घटकर सीधा 200 करोड़ हो गई थी,
जी हाँ दोस्तों, एकदम 50 हो गई थी, जहां पर दोस्तों 2018-2019 में आईपीएल को मिले थे 440 करोड़ पर साल। वहीं दोस्तों 2020 में वीवो के जाने के बाद जो ड्रीम इलेवन ने पे किया था एक साल के लिए, वो था दोस्तों अप्रॉक्स 200 करोड़। जी हाँ दोस्तों, आधा रह गया था आईपीएल का पर ईयर का स्पॉन्सर। इसके बाद दोस्तों सब एक साल कंटिन्यू करने के बाद फिर से वीवो की एंट्री आईपीएल में होती है, जहां पर दोस्तों 2021 का आईपीएल वीवो स्पॉन्सर टाइटल स्पॉन्सर फिर से बन जाता है। वही कुछ सिनेरियो होने वाला था अगले तीन साल के लिए, 21 में, 22 में, 23 में, क्योंकि दोस्तों वीवो का एक साल बीच में गायब हो गया था, तो फिर दोस्तों उसको हटाया नहीं गया था, उसके पैसे भी नहीं काटे गए थे, क्योंकि वीवो ने पुल आउट कर लिया था या फिर बीसीसीआई ने आप कह सकते हैं हटा दिया था। तो दोस्तों अब तीन साल का बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट को वीवो ने सिर्फ एक साल फिर से कंटिन्यू किया, और अब हमें एंट्री होते हुए देखी टाटा ग्रुप की, जहां दोस्तों टाटा ग्रुप के लिए टेंडर सिर्फ दो साल के लिए निकाला गया, 22 और 23। इसके खत्म होने के बाद दोस्तों फिर से टेंडर निकाला जाएगा, लेकिन क्या टाटा ग्रुप फिर से इसको रिन्यू करेगा या फिर पेप्सी और वीवो की तरह बीच में स्किप कर देगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें वैसे टाटा ग्रुप ने जो ये स्पॉन्सर लिया है वो लिया है दोस्तों 670 करोड़ का दो साल के लिए। अब दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलेगी ऐसे ही किसी नई वीडियो में, किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।